खाने का स्वाद कब बढ़ता है? जब हम मिर्च और मसाला डालते हैं, राइट? तो प्रिंस बड़ौदा शहर के इन ऑर्बिट मॉल में मैं आ गई हूँ, जो मिर्च मसाला रेस्टोरेंट है उसके फूड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए, आज यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? मैं हूँ आपकी दोस्त कम होस्ट डॉक्टर बिंदु, एंड वेलकम टू डॉक्टर बिंदुस कुकिंग शो। हेलो शेफ, वेलकम टू डॉक्टर बिंदुस कुकिंग शो। वेलकम मैम। सर, आज आप बनाने वाले हो यहाँ की जो स्पेशल चाट है मिर्च मसाला की, राइट? तो चाट का नाम क्या है? मिर्च मसाला स्पेशल चाट है, राजस्थानी चाट है। ओके, जो जो सबसे बढ़िया चलती है हमारे यहाँ। ओके, तो आप बेसिकली राजस्थान से? जी मैम। ओके शेफ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुंदरलाल डामोर है। ओके, तो ये जो मिर्च मसाला स्पेशल जो चाट है वो आपने ही उसको बनाया था? जी मैम। जी। ओके, तो आपके राजस्थान का जो कल्चर है यहाँ पे लेके आए, राइट? जी। ओके, तो बनाना स्टार्ट करें। हाँ जी। राजस्थानी चाट रेडी है, अब देख लेते हैं शेफ क्या करने वाले। शेफ, अब क्या करोगे? ये रेडी है मैम। यस, अब खाना ही है, बैठ खाना ही है। ओके, आपका जितना बढ़िया नाम है ना, उससे भी बढ़िया आपने ये चाट बनाई। थैंक यू। आपके राजस्थान कल्चर को आपने रिप्रेजेंट किया। थैंक यू वेरी मच शेफ। थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो मिस्टर मोहनसी। हेलो मैम। वेलकम टू डॉक्टर बिंदुस कुकिंग शो। मोहनसी, आप यहाँ के मैनेजर हो, राइट? जी मैम। और यहाँ का जो एम्बियंस है बहुत ही बढ़िया है और थोड़ा हटके है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? थैंक यू मैडम। एक्चुअली हम लोगों ने ये जो एम्बियंस रखा हुआ है, ये ओल्ड इज गोल्ड।
ओल्ड इज गोल्ड, जो हमारे पुराने ज़माने में जो हमारे पूर्वज लोग जो यूज करते थे, जो भी बर्तन हैं, जो भी वो सारा हमने इसमें दिखा रखा है। तो गेस्टों को बहुत बहुत पसंद आता है ये चीज़। जब भी वो यहाँ खाना खाने आते हैं उनको ऐसा फील होता है कि उनको सब ओल्ड चीज़ें दिखाई देती है, गांव में बैठ के जी गांव ऐसा फील होता है गेस्ट को, बहुत अच्छा फील होता है। तो इसलिए ये हमने एम्बियंस रखा हुआ। एकदम बढ़िया है, इवन मुझे खुद को बहुत पसंद आया। थैंक यू मैडम। और दूसरी ये चीज़ बताऊंगी, यहाँ पे हमने रेसिपी तो बताई मिर्च मसाला जो चाट थी, राइट, राजस्थान के कल्चर को आपने बताया है जी। उसके अलावा और कौन कौन सी रेसिपीज़ यहाँ पे फेमस हैं? एक्चुअली मैम यहाँ पे चाट में हमारे पास दिल्ली चाट है, जैसे दिल्ली की चाट उसमें हम लोग एसोटेट मिक्स चाट रहती है, उसमें पापड़ी है, दही बल्ले हैं, आलू टिक्की है, एंड स्वीट चटनी, ग्रीन चटनी एंड स्वीट कर्ड वो यूज़ करते हैं हम लोग। दिल्ली चाट बहुत ही अच्छी चाट है, यहाँ की फेमस है। उसके अलावा ये MM स्पेशल चाट राजस्थानी चाट के नाम से हमने लॉन्च की हुई है, ये नई अभी हमने लॉन्च की हुई है। इसके हाँ टोटली डिफरेंट है, गेस्ट बहुत लाइक करते हैं इसको। एक्चुअली इसका जो टेस्ट है मैडम, ये गार्लिक फ्लेवर में हम लोग दे रहे हैं, गार्लिक चटनी इसके अंदर हमने ऐड किया है और बहुत ही स्पाइसी और चटपटा टेस्ट है इसका और गेस्ट बहुत लाइक कर रहे हैं इसको। ओके, और इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पे फेमस? इसके अलावा हमारे इंडियन करी में हम लोगों ने एक चिकन लखनवी करके लॉन्च किया हुआ है स्पेशल में, वो भी काफ़ी गेस्टों को बहुत अच्छा लग रहा है। उसके अंदर हमने रोस्टेड चिकन टिक्का के पीसेस बोनलेस ऐड किए हुए हैं और ऑनियन बेस्ड ब्राउन थिक ग्रेवी में हम लोग उसको देते हैं, बहुत ही अच्छा गेस्ट उसको लाइक कर रहे हैं, चिकन लखनवी करी। और उसके अलावा हमने दम बिरयानी में छोले दम बिरयानी अभी स्पेशल में हम लोगों ने डाला, छोले दम बिरयानी, छोले और राइस का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही गेस्ट को पसंद आ रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा है हमारा। और उसके अलावा हमारे पास तंदूर से कबाब में शिकारी चिकन है, यहाँ का जो स्पेशल है। उसके अंदर हम लोग पहाड़ी मसाला यूज करते हैं, पहाड़ी जो पत्थर का फूल होता है मैडम पहाड़ों में, उसको हम लोग जो फूल होता है उसका जो मसाला बनता है वेरी डिले बहुत ही अच्छा लगता है गेस्टों को। उसका जो टेस्ट है ब्राउन मैरिनेशन में रहता है कबाब, बहुत ही गेस्ट को बहुत अच्छा लगता है, तो वो हमारी सिग्नेचर रेसिपी लेंगे। जरूर जरूर मैम। थैंक यू। और लास्ट क्वेश्चन मोहन जी, ये जो मिर्च मसाला नाम है तो वो नाम क्यों रखा है? एक्चुअली हमने मिर्च मसाला का नाम इसलिए, हमारा जो फूड है वो नॉर्थ पंजाबी फूड है तो ये स्पाइसी खाना था, तो मिर्ची और जो मसाले का कॉम्बिनेशन है वो उसकी वजह से वो मिर्च मसाला नाम दिया हुआ है। हमारा खाना फूड स्पाइसी एंड चटपटा, इसलिए मसालेदार मिर्च मसाला दोनों का कॉम्बिनेशन है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मोहन सिंह, आप हमारे साथ जुड़े और आपके यहाँ की स्पेशल रेसिपी को एक्सप्लोर करने का हमें मौका दिया। थैंक यू मैडम। थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, ये जो स्लोगन है जिंदा दिल रेस्टोरेंट, तो फ्रेंड्स मिर्च मसाला रेस्टोरेंट सही में जिंदा दिल रेस्टोरेंट्स है। यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का स्टाफ और यहाँ की रेसिपी बल्ले बल्ले है। फ्रेंड्स, मुझे पता है आप लोगों को मेरा शो बहुत ही अच्छा लगता है, तो मेरे शो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे, तब तक बाय, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।